केरी बीच नॉर्थ गोवा का एक शांत एंड लेस क्राउडेड बीच। ये बीच क्वेरिम बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह गोवा का सबसे बड़ा उत्तरी तट है और ये बीच यहाँ की सी केव के लिए फेमस है। यहाँ पे आप वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का मेरे चैनल सफर विद सौरभ में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज दोपहर को ही हम गोवा में आए, क्यूएम स्टेशन पे उतरे थे, वहाँ से हमने कार लिया रेंट पे और फिर रूम पे आ गए। हमारा जो रूम है वो नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे मैंड्रीम करके एक बीच है। यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि दोपहर का टाइम था, धूप भी बहुत ज़्यादा था। और अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं केरी बीच, उसको क्वेरिम बीच भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये गोवा नॉर्थ साइड का लास्ट बीच है, उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के बीचेस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट निकलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, अभी सीधा जाएंगे केरी बीच पे। हम केरिम बीच पे आ गए हैं, यहाँ पे कार्स वगैरह पार्क कर सकते हैं, फ्री पार्किंग है। यही बीच का एंट्रेंस है, तो जाते हैं। देखो हम आ गए हैं, कुछ इस प्रकार बीच का नज़ारा है। ये देखो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग चालू है। फॉरेनर्स भी है यहाँ पे, रशियंस चिल मार रहे सब लोग। किसी ने तो ये बना के छोड़ा है, मस्त बना। लेकिन ये भाई सब अकेले ही बैठे हैं, लगता है टेंशन में है। इनका तो मस्त चल रहा है। ये मैम देखो योगा चालू है यहाँ पे। ये देखो इनका स्टिक के साथ कुछ चालू है, जगलिंग टाइप। इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आपको पता रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओहो सही कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं यहाँ की जो फेमस सी केव है वो देखने के लिए। देखो ये कैसे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखता है यहाँ से बीच से ये नज़ारा। कुछ लोग ऊपर से ये बीच पे लैंड करने आते हैं। ये देखो एक लैंडिंग का नज़ारा। ये देखो सामने की तरफ वो केव है। देखो यहाँ पे नो सेल्फी जोन लिखा है, तो लोग पत्थर पे सेल्फी लेने जाते हैं और पानी भी गहरा है इसके लिए लिखा होगा शायद। तो चलो अभी केव की तरफ बढ़ते हैं, यही रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए। ये देखो सनसेट होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। वहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। गाइस अभी हम केव में आ गए हैं। अरे यार हाई टाइड की वजह से गाइस पानी अंदर आ गया है तो बाहर नहीं जा पाएंगे हम। ये रहा कुछ केव के यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो गाय जैसे कि मैंने बताया ये गोवा नॉर्थ साइड का लास्ट बीच है, इसके बाद महाराष्ट्र की बॉर्डर स्टार्ट होती है। ये बीच से आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने मिलते हैं, फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करने के लिए ये एक खूबसूरत बीच है। जैसे कि मैंने सुना है पानी में एंजॉय करने के लिए ये एक सेफ बीच नहीं है, तो आप थोड़ा पानी में जाते टाइम सावधान रहे। गाइस बीच के बाजू में एक टेम्पल है, आजोबा देवस्थान करके नाम है। ये रहा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो गाइस आपको ये बीच कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।